नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में नालासोपारा कैपिटल मॉल के पीछे बनने वाले अंडरग्राउंड सीवरेज प्लांट मल निस्सारण केंद्र, उसका आज ऑनलाइन भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम दिल्ली से ऑनलाइन पद्धति के द्वारा प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित किया गया। आप सभी जानते हैं आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है, और उसी अवसर पर हर साल देश में स्वच्छता दिवस मनाया जाता है, स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से इस कार्यक्रम का भूमि पूजन किया। वसई विरार अंतर्गत इस कार्यक्रम को देखे जाने की व्यवस्था वसई विरार महानगर पालिका मुख्यालय के 4th माले पर रखी गई थी, जहां महानगर पालिका मुख्यालय में पालघर सांसद डॉक्टर हेमंत सावरा, महानगर पालिका आयुक्त अनिल पंवार और दूसरे अधिकारी, महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त, वहीं दूसरे पॉलिटिकल लोग मौजूद थे। आपको बता दें कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट अमृत 2 योजना अंतर्गत बनने वाला प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में 65 किलोमीटर लंबा ये प्रोजेक्ट है, अंडरग्राउंड इसमें सीवरेज सिस्टम बनेगा और इससे इस पे पूरा 400 करोड़ से अधिक का खर्च आने वाला है। ये 400 करोड़ से अधिक के खर्च में 25% केंद्र सरकार का अनुदान रहेगा, 45% राज्य सरकार का अनुदान रहेगा और 30% महानगर पालिका का अपना पैसा रहेगा। साथ ही साथ इस पूरे प्रोजेक्ट से 103 MLD पानी, जो सीवरेज वेस्टेज पानी है, वो बाहर निकल पाएगा। तो काफी बड़ा ये प्रोजेक्ट अब बनने जा रहा है, जिसके बाद कहीं ना कहीं क्षेत्र में जो मल निस्सारण और गंदगी का जो एक बड़ा प्रॉब्लम्स आता है वो सोल्व होने की पूरी संभावना है। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में एक चीज जो आपने भी मार्क की होगी, इस कार्यक्रम में बहुजन विकास आघाड़ी के नेता और सिटिंग MLA विधायक, क्षेत्र के तीनों ही विधायक, वसई विधायक हितेंद्र ठाकुर, नालासोपारा विधायक क्षितिश ठाकुर और बोईसर विधायक राजेश पाटिल, ऐसे तीनों ही विधायक मौजूद नहीं थे। तो हमें भी इस बात को लेकर थोड़ा ऐसा महसूस हुआ कि क्या वजह है कि तीनों ही विधायक नहीं आए। तब हमने इसकी जानकारी निकाली और डायरेक्ट सीधे विधायक हितेंद्र ठाकुर से बात की, तो उनका ऐसा कहना था कि उनके किसी करीबी की यहाँ मैयत हुई तो वो मैयत में गए हुए थे। क्षितिश ठाकुर से हमारी बात नहीं हो पाई और राजेश पाटिल, उनका यह कहना था कि आज श्राद्ध जो अभी पितृपक्ष जो शुरू है उसका अंतिम दिन है और उसको लेकर उनके घर पे कुछ कार्यक्रम था, इसके लिए वो कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। खैर, अलबत्ता तीनों ही विधायक भले ही नहीं आए, लेकिन ये कार्यक्रम संपन्न हुआ और इस कार्यक्रम के बाद हेमंत सावरा सांसद ने क्या कुछ कहा वो आप आगे वीडियो में सुनिए, और साथ ही साथ महानगर पालिका आयुक्त अनिल पवार ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। क्या कहेंगे, आज माननीय प्रधानमंत्री के हाथों ऑनलाइन भूमि पूजन हुआ है, इसके लिए क्या करें? देखिए कि हम देख रहे हैं जब से वसई विरार महानगर पालिका निर्माण हुई है उसके बाद यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और बेसिक जो सोई सुविधा है उसमें लगातार अच्छा करने की मांग हो रही थी, और हम देख रहे हैं कि गए 10 साल में माननीय प्रधान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत मिशन का ऐलान हुआ और उसके तहत अनेक योजनाएं लाई गई और अच्छी तरह से कार्यान्वित हो गई है। हम देख रहे हैं कि करीब 10 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बने हुए हैं, हर घर नल से पानी पुरवठा अभी शुरू होने वाला है, प्लास्टिक मुक्ति, थर्माकोल मुक्ति, ऐसे कई सैनिटरी पैड हो या गटर की स्वच्छता हो, हर तरफ स्वच्छता मिशन अच्छी तरह से जोर से चालू हुआ है। आज भी 2 अक्टूबर का मुहूर्त देख के अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और माजी पंतप्रधान लाल बहादुर शास्त्री, उनके जयंती के अवसर पर करीब करीब 1000 करोड़ से ज्यादा के प्रकल्प जो सीवेज ट्रीटमेंट के है, वाटर सप्लाई के हैं, पूरे भारत में कार्यान्वित किए हैं। उनकी ऑनलाइन मूर्त मेड आज माननीय प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ लगाई है, और अपने वसई विरार महानगर पालिका में देखा जाए तो 2
महत्वपूर्ण ऐसे प्रकल्प उनकी मुहूर्त में राज हुई है। एक जो वाटर सप्लाई का है वो करीब 551 करोड़ का है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और अपना अपनी महानगर पालिका इसके सहयोग से ये प्लान बनने वाला है। और दूसरा अत्यंत महत्वपूर्ण जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लान का 512 कोटी का प्लान मंजूर हुआ है, उसकी मुहूर्त में आज हुई है। और दो साल में ये दोनों योजनाएं पूरे नागरिकों के लिए खुली हो जाएगी। और जो महत्वपूर्ण योजना है जो यहाँ पे हम देख सकते हैं काफी लोक संख्या बढ़ती जा रही है, और इसलिए जो लोड चाहे वाटर का हो सीवेज ट्रीटमेंट का है वो बढ़ते जा रहा है। और इसमें ये दोनों जो प्लान है वो मंजूर होना और वहाँ पे शुरू होना बहुत महत्वपूर्ण था, और इसीलिए आज जो उसका मुहूर्त मेड हुआ है उसके लिए मैं माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ। आज भी लोग स्वच्छता को लेकर जागरूक नहीं है, आह्वान यही करूंगा कि जैसे हम खुद का घर जैसे स्वच्छ रखते हैं, घर के आजू बाजू का परिसर स्वच्छ रखते हैं, वैसे ही जो सार्वजनिक एरिया जो रहता है चाहे रास्ता हो, स्कूल हो या सब सेंटर हो, चाहे कोई भी सार्वजनिक जगह हो, वो भी स्वच्छ रखने की कोशिश करें। और जैसे हम 2 अक्टूबर को एक दिन के लिए स्वच्छता अभियान लगाते हैं, वो एक दिन का ना रहते हुए पूरे साल भर वो चलता रहे। और जैसे गंदगी कारण काफी सारे जो बीमारियां फैलती हैं, जैसे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि मलेरिया हो, डायरिया हो, जिसके वजह से काफी डेथ होती है, वो गए 10 साल में काफी डेथ स्वच्छता मिशन के बाद कम हो गई है। और चाहे दुर्गंधी हो, स्मेल हो, लंग डिसीजेस हो, ये भी वहां पे हम कम कर सकते हैं, प्लास्टिक मुक्ति रोक सकते हैं, थर्माकोल का जो यूज है वो रोक सकते हैं, सैनिटरी पैड ज्यादा से ज्यादा यूज होना चाहिए, शौचालय का यूज होना चाहिए। और ये सब जो बातें हैं वो हर एक जो अपना पर्सन है, जो जागरूक नागरिक है, उन्होंने करनी चाहिए। और इसलिए मैं भी आह्वान करता हूँ कि स्वच्छता के बारे में हर एक को महत्वपूर्ण ऐसा अपना स्थान निभाना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा अपनी जगह, अपना घर, अपना परिसर स्वच्छ रखें और आने वाली बीमारियों से मुक्त करें। वसई विरार महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये नालासोपारा ईस्ट इथे मलनिस्सारण प्रकल्प याचं भूमिपूजन माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांच्या हस्ते आज ऑनलाईन पद्धतीने झालेलं आहे। सध्याचा प्रकल्प हा 103 MLD एवढा असून या प्रकल्पामध्ये 20% म्हणजे साधारणतः 20 MLD एवढं मलनिस्सारण हे तहसील ट्रीटमेंटच्या माध्यमातून देखील केलं जाणार आहे। सध्याचा प्रकल्प हा साधारणतः 512 कोटी रुपयाचा असून हा प्रकल्प साधारणतः 2 वर्षांमध्ये पूर्ण करण्याचा महानगरपालिकेचा मानस आहे। 2 ऑक्टोबरच्या निमित्ताने साधारणतः मागील 15 दिवसापासून स्वच्छता पंधरवाडा महानगरपालिकेच्या माध्यमातून राबवला जात आहे। यामध्ये अनेक विविध कार्यक्रम या ठिकाणी घेतले गेलेले आहेत। सर्वात महत्वाचा कार्यक्रम म्हणजे 21 सप्टेंबरला आम्ही राजुरी बीच येथे साधारणतः 13,000 जास्त विद्यार्थी, नागरिक, विविध संस्थांचे पदाधिकारी, विविध पक्षांचे पदाधिकारी आणि महानगरपालिकेचे अधिकारी कर्मचारी यांच्या माध्यमातून बीच क्लिनिंग ड्राइव्ह घेतला होता। आणि या बीच क्लिनिंगच्या माध्यमातून 51 टनपेक्षा जास्त एवढा कचरा आम्ही कलेक्ट केला होता आणि त्याच ठिकाणी त्या कचऱ्याची शास्त्रीय पद्धतीने त्याचं रिसायकलिंगचं देखील आम्ही कार्यक्रम त्या ठिकाणी आयोजित केलेला होता, जेणेकरून प्लास्टिकच्या माध्यमातून छोटी छोटी भांडी असतील, कचऱ्याच्या कुंड्या असतील, ह्या तयार करण्याचं प्रात्यक्षिक देखील नागरिकांना आम्ही त्या ठिकाणी दाखवलेलं होतं। तसेच मग स्वच्छता मित्र अभियान असेल, त्याचप्रमाणे स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचे आरोग्य तपासण्या असतील, वृक्षारोपणाचे कार्यक्रम असतील, वेगवेगळ्या प्रकारच्या रॅलीज असतील, निबंध स्पर्धा असतील, वक्तृत्व स्पर्धा असतील, या सर्वांचं देखील आयोजन केलं होतं। त्याचप्रमाणे आपल्या देशाचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांनी जे आवाहन केलं होतं की एक पेड माँ के नाम ह्याचा देखील उपक्रम आम्ही सर्व शाळांच्या माध्यमातून, विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून देखील राबवला होता आणि त्यासाठी विविध शाळांना आम्ही 50,000 इतके
वेगवेगळ्या प्रजातीची रोप देखील आम्ही दिलेली होती आणि विद्यार्थ्यांना च्या माध्यमातून ती रोपं देखील लावण्यात आलेली आहेत. आज आम्ही इथं माडाच्या संकुलाच्या परिसरामध्ये वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम करतोय. तसेच वसईविरा महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील 9 प्रभागामध्ये जे सफाई कामगार कार्यरत आहेत त्यांना आम्ही सेफ्टी किट प्रोटेक्शन किटचं देखील वाटप करतो आहे. हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें.